नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान और अपन जो बात कर रहे थे वो राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर राजस्थान की लोक देवियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे थे। दोस्तों इससे पहले की क्लास में दोस्तों मैं आपके लिए राजस्थान की देवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया था। आज पुनः दोस्तों आपके सामने राजस्थान की देवियों से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और आपके सामने लेकर आया हूं। इसी तरह और भी आगे मैं आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चनों को लेकर आता रहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं उनके बारे में दोस्तों। तो आपके ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान की देवियों के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, देखिए दोस्तों, काबा वाली करन्ना, कर्नल किरयानी, करनीजी महाराज, चूहों वाली देवी आदि के नामों से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है। इन नामों से दोस्तों किसे ला जाना जाता है दोस्तों। चूहों की देवी किसे कहा जाता है सर, करनीजी महाराज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन से करनी माता को कहा जाता है, स्वांगिया माता को कहा जाता है, नागनेची माता कहा जाता है, या फिर केला देवी को कहा जाता है। आपके ऑप्शन का इंतजार है दोस्तों। किस देवी को राजस्थान के अंदर चूहों की देवी कहा जाता है, किसे करनी जी महाराज कहा जाता है, कर्नल किरयानी कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसी लोक देवी है दोस्तों आपके पास, वो है दोस्तों आपके करनी माता। दोस्तों करनी माता को राजस्थान के अंदर चूहों वाली देवी कहा जाता है और इस करनी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों, इसी करनी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये दोस्तों आपके बना हुआ है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है दोस्तों आपके देशनोक के अंदर। और देशनोक जो है दोस्तों ये आता है आपके बीकानेर के अंदर दोस्तों। देशनोक बीकानेर में दोस्तों इस माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। इस माता के मंदिर के अंदर, देशनोक बीकानेर के अंदर जो करनी माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों, इस माता के मंदिर के अंदर अनेक चूहे पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस मंदिर को जो है वो दोस्तों आपके चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। यार किसका मंदिर दोस्तों, चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में अनेक चूहे पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, चूहों का मंदिर। तो राजस्थान के अंदर क्वेश्चन भी यही था सर, यही क्वेश्चन था कि राजस्थान में चूहों वाली देवी कौन सी है। तो दोस्तों वह कौन सी आपके करनी माता है। क्लियर दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, यह रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए आज दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक देवी है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है, जिसका मंदिर हर गांव में आपको मिलेगा दोस्तों। ऐसी लोक देवी जिसका मंदिर जो है वह हर गांव में आपके सामने होगा। ऑप्शन से बताता हूं दोस्तों आपको, ले संतोषी माता, केला देवी, जोगनिया माता या शीतला माता। राजस्थान के अंदर जो है सबसे प्रसिद्ध लोक देवी कौन मानी जाती है, राजस्थान के अंदर सबसे प्रसिद्ध लोक देवी संतोषी माता है, केला देवी है, या जोगनिया माता है, या शीतला माता है। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका शीतला माता। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध लोक देवी मानी जाती है दोस्तों, वो मानी जाती है शीतला माता। इस शीतला माता का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों, प्रसिद्ध मंदिर, हालांकि दोस्तों हर गांव के अंदर दोस्तों शीतला माता का मंदिर आप लोगों को नजर आ जाएगा, लेकिन दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो दोस्तों वह एक डूंगरी आती है आपके पास, सील की डूंगरी, सील की डोंगरी दोस्तों। ये जो सील की डोंगरी आती है ये आती है दोस्तों आपके चाकसू के अंदर, चाकसू के अंदर। और चाकसू दोस्तों जो आता है वो आता है आपके जयपुर के अंदर। तो शीतला माता का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है वो सील की डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर बना हुआ है, जो कि राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी मानी जाती है दोस्तों। क्या दोस्तों अगला क्वेश्चन के लिए चलूं, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए यह रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है वह देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है दोस्तों। राजस्थान के ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसे खंडित रूप में पूजा जाता है, जिसकी पूजा हमेशा खंडित रूप में ही की जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन से आपके पास आर्त माता, दूसरी है करणी माता, तीसरी है शीतला माता, या उपयुक्त सभी। सभी लोक देवियों को दोस्तों खंडित रूप में पूजा जाता है, या आर्त माता को पूजा जाता है, करणी माता को पूजा जाता है, या शीतला माता को पूजा जाता है। दोस्तों राजस्थान के अंदर किस लोक देवी को जो है वह खंडित रूप में पूजा जाता है, आंसर दोस्तों आपका। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर दोस्तों शीतला माता, जिसका मंदिर अभी अभी बात की अपन दोस्तों कि चील की डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर बना हुआ है, इसी माता को दोस्तों राजस्थान के अंदर खंडित माता के रूप में पूजा जाता है। इस माता का जहां पर भी मंदिर बनाया जाता है दोस्तों वह खंडित रूप में बना होता है। यह राजस्थान की एक ऐसी माता है जो कि खंडित रूप में पूजी जाती है दोस्तों। दोस्तों इस माता का जो पुजारी होता है, इस माता का जो पुजारी होता है दोस्तों वह कुम्हार जाति का होता है।
इस माता का जो पुजारी होगा दोस्तों वह कौन सी जाति का होगा? कुम्हार जाति का होगा। और इस माता का जो वाहन माना जाता है वह दोस्तों गधा माना जाता है यार। इस माता का जो वाहन माना जाता है दोस्तों वह क्या माना जाता है? गधा माना जाता है। तो दोस्तों शीतला माता हमारे राजस्थान की एक ऐसी माता है जो कि दोस्तों खंडित रूप में पूजी जाती है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने आज। देखिए चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चौथा क्वेश्चन क्या है? जीर्ण माता मंदिर। दोस्तों याद रखना जीर्ण माता का मंदिर, सबसे पहले मंदिर की बात कर ले, ऑप्शन आप बाद में देखेंगे। मंदिर दोस्तों जीर्ण माता का जो मंदिर है वह एक पहाड़ी आती है, हर्ष की पहाड़ी। हर्ष की पहाड़ी, ये जो हर्ष की पहाड़ी है दोस्तों ये आती है आपके रेवासा के अंदर। और रेवासा दोस्तों कहां पर आता है? सीकर के अंदर आता है। तो जीर्ण माता का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों वह हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर के अंदर बना हुआ है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन पे आ जाइए। आप जीर्ण माता को किस रूप में पूजा जाता है भाई? तो जयंती देवी के पूज रूप में पूजा जाता है, ब ऑप्शन से गजरा देवी के रूप में पूजा जाता है, तीसरा ऑप्शन से भौरी देवी के रूप में पूजा जाता है, या चौथा ऑप्शन से दोस्तों उपयुक्त सभी के रूप में पूजा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका उपयुक्त सभी। दोस्तों जीर्ण माता को जयंता देवी भी कहा जाता है, कजरा देवी भी कहा जाता है, भौरा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों भौरा देवी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये मधुमक्खी जो भौरा मधुमक्खी होती है उनकी देवी मानी जाती है। चारों तीनों रूपों में दोस्तों हमारी जीर्ण माता को पूजा जाता है। तो दोस्तों इसलिए इसे उपयुक्त सभी इसका सही आंसर बैठेगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान की देवियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं और उसी के अंदर दोस्तों कंटिन्यू आपको आगे बढ़ते हुए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं राठौड़ों की, ध्यान देना दोस्तों राठौड़ों की जो कुल देवी मानी जाती है, दोस्तों राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। तो दोस्तों राठौड़ों की जो कुल देवी मानी जाएगी दोस्तों ऑप्शंस पहले सुन लीजिए, जीर्ण माता मानी जाएगी, आवड़ माता मानी जाएगी, करणी माता या केला देवी, चारों में से किसे आप राठौड़ों कुल देवी कहोगे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राठौड़ों की जो कुल देवी मानी जाती है दोस्तों वो मानी जाती है आपके करणी माता। क्या मानी जाएगी दोस्तों? करणी माता। इसी करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों, प्रसिद्ध मंदिर, इसी करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है दोस्तों आपके देशनोक के अंदर, देशनोक। और देशनोक सभी को याद होना चाहिए कहां पर आता है दोस्तों? बीकानेर के अंदर आता है देशनोक। बीकानेर में दोस्तों इसी करणी माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। इसी करणी माता को दोस्तों राठौर समाज या राठौर राजवंश जो है दोस्तों क्या मानता है? अपनी कुल देवी मानता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, जोधपुर राज परिवार की कुल देवी है, जोधपुर, ध्यान देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया है कि जोधपुर राज परिवार की कुल देवी है, कुल देवी की बात कर रहा है। अब ये याद होना चाहिए कि जोधपुर राज परिवार जो है वो कौन से वंश से बिलोंग करता था। तो दोस्तों याद होना चाहिए कि जोधपुर का जो राज परिवार था वो आपके राठौर वंश से बिलोंग करता था दोस्तों। कौन से वंश से दोस्तों? राठौर वंश से बिलोंग करता था भाई। तो जोधपुर का जो परिवार है वह कौन सा वंश था? राठौर वंश। और अब इसका मतलब राठौड़ों की, जोधपुर के राठौड़ों की जो कुल देवी मानी जाएगी दोस्तों वह कौन मानी जाएगी? नागनेची माता मानी जाएगी, जिसका मंदिर जो है, इस नागनेची माता का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों ये आपके मेहरानगढ़ के अंदर बना हुआ है दोस्तों। कहां पर बना होगा दोस्तों? मेहरानगढ़, जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वहां पर इसका मंदिर बना हुआ है। तो जोधपुर के राठौड़, ध्यान देना दोस्तों, जोधपुर के राठौड़, जोधपुर के जो राठौड़ है दोस्तों उनकी जो कुल देवी मानी जाएगी दोस्तों वह कौन मानी जाएगी? आपके नागनेची माता या चामुंडा माता देवानी जाती है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके लिए सातवां क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सातवां। देखिए आप चारण जाति, चारण जाति का आप लोगों का नाम सामने आ गया। और दोस्तों ध्यान देना, चारण जाति लोगों की आराध्य देवी मानी जाती है, आराध्य देवी। कौन से समाज की? चारण समाज की। चारण समाज के राज देवी ऑप्शन से आपके पास करणी माता मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर, जीण माता मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर, नागनेची माता और आपके केला देवी। कौन सी माता को, कौन सी माता को चारण समाज जो है वो अपनी आराध्य देवी मानता है? किसे मानेगा दोस्तों? तो आपका इसका आंसर, आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर, जो सही आंसर बैठेगा दोस्तों वह बैठेगा करणी माता। दोस्तों करणी माता को राजस्थान के अंदर, करणी माता को राजस्थान के अंदर दोस्तों चारण समाज जो है वह अपनी आराध्य देवी मानता है, जबकि बीकानेर के जो राठौर शासक होते हैं वह दोस्तों इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। क्लियर दोस्तों? इसी करणी माता को दोस्तों चूहों की देवी भी कहा जाता है, इसी करणी माता को दोस्तों आपके आवड़ माता भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो इसका मंदिर जो है दोस्तों वह आपके करणी माता का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों ये बना हुआ है देशनोक के अंदर, और देशनोक जो है दोस्तों ये आता है बीकानेर के अंदर, देशनोक बीकानेर में दोस्तों इसका मंदिर बना हुआ है दोस्तों।
क्लियर दोस्तों। और इस मंदिर में अनेक चूहे पाए जाते हैं, इसलिए इस मंदिर को दोस्तों चूहों का मंदिर भी कहा जाता है और करणी माता को दोस्तों चूहों की देवी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, आठवां क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किस देवी का थानक, थानक का मतलब होता है, थानक का मतलब होता है मंदिर, किस लोक देवी का थानक या मंदिर दरगाह कहलाता है, ध्यान दीजिएगा दरगाह, राजस्थान की ऐसी कौन सी देवी है जिसके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन से दोस्तों आपके पास नागनी जी माता, ऑप्शन से ब आई माता, स ऑप्शन से दोस्तों स्वांगिया देवी और द ऑप्शन से करणी माता। किसे राजस्थान के अंदर दोस्तों जिसका ऐसी कौन सी देवी है जिसके मंदिर को दोस्तों दरगाह कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर दोस्तों ऐसी देवी है दोस्तों आपके आई माता। दोस्तों आई माता के मंदिर को एक जाति होती है दोस्तों, और वह जाति है दोस्तों आपकी सिरवी जाति। सिरवी जाति दोस्तों, सिरवी जाति के जो लोग होते हैं वह आई माता के मंदिर को दोस्तों दरगाह बोलते हैं। उस मंदिर को दोस्तों मंदिर नहीं कहते हैं ये लोग दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं। तो आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आज आपके लिए मैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नौवां क्वेश्चन, राजस्थान की वह लोक देवी जिसे चौहानों की, अब ध्यान देना, चौहानों की कुल देवी माना जाता है, जिसे चौहानों की कुल देवी माना जाता है, ध्यान देना वंश के ऊपर अंडरलाइन किया करो दोस्तों, कौन सा वंश था, चौहान। अब दोस्तों कौन कौन सी है, केला देवी, दूसरा है रानी सती, तीसरा है जीन माता और चौथा है अन्नपूर्णा माता। किसे राजस्थान के अंदर चौहानों की कुल देवी कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने, केला देवी को कहा जाता है, रानी सती को कहा जाता है, जीण माता को कहा जाता है या अन्नपूर्णा माता को कहा जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा इसके अंदर जीण माता। जीण माता को दोस्तों राजस्थान के अंदर चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों चौहानों के अंदर इस मंदिर का जो निर्माण है वह पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासन काल के अंदर राजा हट्टड ने 1064 ईस्वी के अंदर करवाया था दोस्तों। क्लियर दोस्तों। इसलिए दोस्तों चौहान वंश जो है वह इसे क्या मानता है, अपनी कुलदेवी मानता है। क्लियर दोस्तों। अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर आज के लिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया था मैं आपके लोगों के लिए, और इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राजपूतों में खंगावत राजवंश की, अब अभी चौहानों की बात की थी अपन ने, अब बात करेंगे अपन खंगावत राजपूतों की। तो खंगावत राजपूतों की अपनी कुल देवी मानता है, यानी खंगावत राजपूत जो है किस माता को अपनी कुल देवी मानता है। ऑप्शन से दोस्तों आपके पास ज्वाला माता, शीला देवी को मानता है, जीण माता को मानता है या जमुआई माता को मानता है, आपके ऑप्शन से। तो ज्वाला माता है, शीला देवी है, जीण माता है या फिर जमुआई माता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है आपके सामने, और वह क्या है दोस्तों, आपके ज्वाला माता। ज्वाला माता का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये आपके जोबनेर के अंदर बना हुआ है दोस्तों। जोबनेर जो है दोस्तों ये आता है जयपुर के अंदर, जोबनेर जयपुर के अंदर इस माता का मंदिर बना हुआ है, जिसे दोस्तों खंगावत शासक जो है वो अपनी कुलदेवी मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, और भी आगे मैं इसी तरह राजस्थान की देवियों से संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता रहूंगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।